कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के सेवड़ा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, 100 यूनिट बिजली का बिल माफ किया, ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन हमने बढ़ाया है और उसको बढ़ाकर के हमने 27% किया था, और कर्नाटक में हमने जो पैटर्न अपनाया है उसी ढंग से हमने यहाँ भी काम करने का वादा आपसे किया है। खड़गे ने कहा कि आज काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है और वह देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं और प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। नेहरू जी मामूली व्यक्ति नहीं थे, देश विदेश में उनका मान सम्मान था। उन्होंने इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद डाली है। इस दिन को हम सभी को याद रखना है। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत ही महत्व का दिन है। इसलिए नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं हमने आपको 3 कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आए हैं, इसलिए महत्व का दिन है। इस देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़े और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्मदिन है। जवाहरलाल नेहरू जी ये मामूली व्यक्ति नहीं थे या एक मामूली प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये देश विदेश में इनकी प्रतिभा थी और एक सेक्युलर, एक बहुत विद्वान और देश के लिए बहुत जज्बा रखने वाले, हिम्मत से काम करने वाले श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये जो आज जन्मदिन है, इसीलिए मैंने कहा ये महत्व का दिन है, इसलिए उनको मैं नमन करता हूं।